जब नाद आपके अंदर गूंजेगा, अमृत तत्व जागृत होगा। अमृत तत्व को ये नहीं है कि उठाई कोई मटकी या कोई किसी पात्र उठाया, चाहे स्वर्ण का उठाया, कि उसमें अमृत है और आपको पिला दे आप अमर हो जाएंगे। ये अमृत नहीं होता। आप ये समझने की कोशिश करो कि अमृत क्या होता है। अमृत नाम अनद का, अनद नाद का नाम अमृत है। जब नाद आपके अंदर नाद का झरना फूटता है वो अमृत है, लेकिन वो पी करके आप कर्मों से दूर होने लगते हो, कर्मों के रोग मिटने लगते हैं। अमर होने का क्या महत्व है कि अमृत पी करके अमर हो गए और मतवाले हो गए। अमर होने का क्या क्या रहस्य होता है? ऐसे तो कोई नहीं कि आप अमर हो गए, पिया और अमर हो गए। अमर होने का मतलब है उस आत्मा में मृत्यु का, काल का, महाकाल का भय नहीं रहता। वो आत्मा अपने वजूद में चली जाती है, परम तत्व में चली जाती है और मृत्यु का भय यानी जन्म मरण से पीछा छूटने लगता है। आप उस मार्ग पर पहुंच जाते हो कि जहाँ जन्म मरण से बंधन दूर हो जाए। वही अमृत तत्व है कि पिया और अमर हो गए, कि पैदा ही नहीं होना। जब पैदा ही नहीं होंगे तो मरेंगे क्यों? तो वो अमृत तत्व है। आप उस अमृत तत्व की खोज में लगिए, नाद को पकड़ करके चढ़िए। जब आप नाद को पकड़ करके चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, वहाँ गुरु के चरण मिलेंगे। नाद से पहले नहीं है, ओंकार से पहले भी नहीं है। ये गुरु के चरण ओंकार से ऊपर मिलेंगे आपको। ओंकार की गूंज सुनाई देगी, ओंकार दिखाई भी देगा। अक्षरों में मत फंस जाना, धुन होगी, धुन में सुनेगा। जब वो सुनेगा, दिखेगा, अनुभव होगा, तो फिर उससे आगे जा करके आपको गुरुचरण रज मिलेगी। और वहाँ से फिर मस्तक पर लगा करके, ललाट के ऊपर सजा करके फिर आप आगे बढ़ोगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु चरण रज जब मस्तक पर लगती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। ये रहस्य हैं इन चीज़ों के। आप लोग जब जानोगे इन रहस्यों को तो वहाँ तक पहुँच जाओगे, उन तत्वों को पाओगे, उनकी खोज करोगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन के लिए भी, साधना के लिए भी, आध्यात्म के लिए भी, परम तत्व के लिए भी, खोज के लिए भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। क्योंकि ये खोज खोज करके आपका बहुत समय निकल जाएगा खोजने में। इस कारण से हमें किसी भी प्रकार, किसी कितना भी समय लगे, हमें जो अनुभव हुआ, जो परमात्मा ने सिखाया, जो हमें दिखाया, जो अनुभव कराया, वो आप सब लोगों के सामने जो हम मिला उसको बांट रहे हैं। जो भी लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, निश्चित है कल्याण, कोई रोक नहीं सकता। बस साधना की आवश्यकता है, इतनी सी कमी है। बैठने की आदत लगाएं, मौन रहने की आदत लगाएं। जितना कम शब्दों का, जितना कम मन का, जितना कम बुद्धि का प्रयोग करोगे, ज्ञानी होना सांसारिक पदार्थों को जान लेना नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लाखों पदार्थों को, करोड़ों पदार्थों को जानते हैं, वो ज्ञानी नहीं है। विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी हो जाने का अर्थ होता है अपने आप को जान लेना, पदार्थों के रहस्य को जान लेना कि ये प्रकृति है और इसमें वो तत्व विराजमान है, उसके बिना कोई भी तत्व पूर्ण नहीं है। जब ये रहस्य आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ज्ञानी हो गए, समझ में आ गई चीज़ें, आप जीवन मुक्त हो गए। इतना सा समझना है। इतने से समझने के लिए पुराने ज़माने में बोलते हैं
कि बहुत लंबी लंबी तपस्या करते थे ऋषि मुनि, आज भी बहुत लंबी लंबी तपस्या करते हैं साधक लोग, बस यही समझ में नहीं आता उनको कि तुम ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी चीज के ऊपर शंका रहती है कि नहीं मैं ब्रह्म नहीं, वे ब्रह्म कोई और है। दो हो जाते हैं, एक नहीं होता, और दो होकर के भक्त भगवान बन जाते और पूरी उम्र साधना में चली जाती है। तो आप लोग साधना कीजिए, आरंभ कीजिए, प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए। जितना प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा, पिछले 2 अक्टूबर को बहुत लोगों को मेरे से शिकायत रही कि हमें नहीं बुलाया, बस सेवादारों को बोल दिया। अब की बार भी रात्रि का ही प्रोग्राम है, 1 और 2 के बीच की जो रात्रि होगी उसका प्रोग्राम है, और जिसकी भी इच्छा हो वो आ सकते हैं। और ध्यान यहाँ आ करके कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ध्यान करेगा वो वहाँ तक पहुँच सकता है। आप सब लोगों के अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।